अतीक अहमद की मिली डायरी, अब खुलेंगे एक एक करके सारे राज। क्या है ऑपरेशन जानू? शाइस्ता ने प्लान किया था पूरा मर्डर। पुलिस कस्टडी में मीडिया के सामने माने जाने वाले माफिया डॉन अतीक अहमद की कहानी दिन पर दिन लंबी होती जा रही है। अतीक के ससुर के घर पर एक डायरी मिली है जिसमें अतीक अहमद के सारे काले चिट्ठे हैं और उसमें ये भी लिखा है कि अतीक अहमद का कारोबार कहां कहां फैला है और उन्हें कौन संभालता है। तो चलिए जानते हैं अतीक की डायरी के सारे राज और सबसे ज्यादा जरूरी कि उमेश पाल की हत्या का मास्टरमाइंड कौन था। कहां कहां फैला है कारोबार? जो डायरी अतीक के ससुर के घर से बरामद हुई है उसमें उन लोगों का जिक्र है जो माफिया डॉन के बेहद करीबी थे। डायरी में अतीक के कारोबारियों के फोन नंबर और पता सहित सारी डिटेल मिली है। इसके साथ ही ये भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अलावा 5 राज्यों में अतीक अहमद का काला कारोबार फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई और गुजरात में भी अतीक का हजारों करोड़ का व्यापार है। ऑपरेशन जानू का मास्टरमाइंड। डायरी में खासतौर से उमेश पाल की हत्या का भी जिक्र है। डायरी में हर एक छोटी बात की डिटेल है कि मर्डर किस दिन होगा, कैसे होगा और कौन करेगा। जो चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि ये पूरा हत्याकांड अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने प्लान किया था। वो शाइस्ता ही थी जिसने ये तय किया था कि उमेश पाल की हत्या उसका बेटा असद करेगा। इसके लिए शाइस्ता के पास जनवरी में ही 1,20,00,000 का फंड पहुंच गया था। डायरी में उमेश पाल की हत्या के लिए जो कोडवर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है ऑपरेशन जानू। ऑपरेशन जानू के तहत शाइस्ता ने हत्या के लिए असद और गुड्डू मुस्लिम की टीम को तैयार किया था। शाइस्ता को पकड़ने के लिए डायरी बन सकती है रास्ता। डायरी में जिन करीबियों और मददगारों का जिक्र है उसकी लिस्ट बनाकर पुलिस शाइस्ता तक पहुंच सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन अतीक का साम्राज्य संभालने की कोशिश में जुटी हुई है जिसे अतीक ने अपने कुकर्मों से खड़ा किया था। यूपीएसटीएफ के मुताबिक शाइस्ता अतीक की संपत्ति को अपने नाम करने पर लगी है और वो बराबर चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपर्क में है। यूपी पुलिस ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की तलाश में है जो शाइस्ता परवीन की मदद कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।